सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी और गौरव भगत एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आज पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मीनगर, शकरपुर और प्रीत विहार थाने के पुलिसकर्मी शामिल हुए। विख्यात मोटिवेटर गौरव भगत ने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों के द्वारा कैसे हम अपने मानसिक तनाव और कार्य दबाव को कम कर सकते हैं, इस विषय पर आज कार्यशाला में बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें अपने कार्य और अपने आप से प्यार करना होगा और थोड़ा ही समय निकले पर अपने लिए जरूर निकालना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सेशन रहा और सबसे बेस्ट ये रहा कि दिल्ली में पिछले 36 घंटे से नॉनस्टॉप बारिश चल रही है और तब भी फोर्स इतनी भारी नंबर्स, भारी संख्या में आई, क्योंकि वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि स्ट्रेस एक कैंसर है जो हमें अंदर से खा रहा है और एक ऐसी चीज़ है जो हमें ओवरकम करनी है। और जो आधा पौना घंटा हमने आज बातचीत की, बड़ा प्रोडक्टिव रहा, बड़ा अच्छा रहा। एंड आई एम श्योर एंड आई होप दैट फोर्सेस इससे काफ़ी प्रभावित होंगी और अपना स्ट्रेस लेवल जो है थोड़ा बहुत तो ज़रूर ओवर टाइम डिफ्यूज़ कर पाएंगे। तो इनफैक्ट जो मैं सिखाता हूँ, काफ़ी हद तक मैं यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ। पिछले हफ्ते मैं द्वारका में था, उससे दो हफ्ते पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एक सेशन कर चुका हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आज के टाइम में जो वक्त से हम गुजर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स आर क्रेजी इवन फॉर देम। और यूथ जो है वही हमारा फ्यूचर है और अगर इस टाइम जो उनके फाउंडेशन ईयर्स में अगर वो थोड़ा भटक गए तो हमारी जो गोल्स हैं इंडिया के लिए, जो हम $5 trillion इकॉनमी और दुनिया के नंबर वन बनना चाहते हैं, वहाँ बहुत फाइट हो सकती है। जब मैं कॉलेज में था, स्ट्रेस तो मुझे भी था लेकिन कोई गाइड करने के लिए नहीं था। और आप बिलीव करें कि मैं महीने में 3 से 4 दिन कॉलेजेस में जाता हूँ और बच्चों को भी एजुकेट करता हूँ कि आपके पास मेंटर नहीं था, पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे सिखाने का जो पाथ है उसकी वजह से आपको थोड़ा मेंटरशिप मिले। पर बच्चों के लिए भी बड़ा स्ट्रेस है और कॉर्पोरेट के लिए बड़ा स्ट्रेस है, तो ऐसा कोई वर्टिकल नहीं है आज के अंदर जहाँ देखे जाए जहाँ स्ट्रेस नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। अगर निमंत्रण मिले तो मैं तो किसी भी अपॉर्चुनिटी से पीछे नहीं हटता। पीछे बॉस्टन गया था, बॉस्टन के अंदर यूएसए के अंदर एक सेशन किया था 7,000 लोगों के लिए। तो कमरे के अंदर 7 लोग हों या 7,000 लोग हों, मैं पीछे नहीं हटता। और मेरा अगेन गिव बैक है, लाइफ में बड़े सक्सेसेस पाए हैं और मेरा ग्रेटिट्यूड ये है कि अब अगर मैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस से किसी और को प्रभावित कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। तो निमंत्रण आप दें और जहाँ आप बुलाएं मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। कोई भी डेस्टिनेशन दूर नहीं है। अमेरिका के अंदर एक फ्लाइट पकड़ के मतलब 2 दिन का सेशन करके वापस आ जाता हूँ। लोग बोलते हैं तो पागल है, पर थोड़ा बहुत तो पागलपन होना ज़रूरी भी है। इस मौके पर उपस्थित सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश चंद कुकरेती जी ने कहा कि पुलिस 24 घंटे कार्य करती है, जिससे कभी कभी तनाव भी आ जाता है, इसलिए इस प्रकार की कार्यशाला समय समय पर जरूर होनी चाहिए। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा और इसके लिए हम आभारी हैं श्री गौरव भगत जी का, श्री गीता मैम का और सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी का। हम लोग जो पुलिस फोर्स में स्ट्रेस फेस करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में और डे टू डे वर्किंग में, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स बताई है। और खाली ये जो है सोचने से काम नहीं होता कि हम कर लेंगे, उस पर एक्ट करना ज़रूरी है। ये बातें बताई हैं और छोटी छोटी बातें हैं, सुबह उठते ही जो है जो हमें एक्ट करना होता है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, या फिर सोते समय गॉड के प्रति, भगवान गॉड के प्रति कि हमें जो है आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, कल भी अच्छा रहेगा। तो इस हमारी हमें अपनी सोच बदलनी है, तो वो चीज़ें और उसमें थोड़ा एक्ट भी करना है। 5 मिनट 10 मिनट हम दे सकते हैं, हर पुलिस वाला 5-10 मिनट दे सकता है और 5-10 मिनट ही उसकी जो है स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कर देगा और लाइफ चेंज हो जाएगी एकदम। अब मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि ये सेशन अगर बीच बीच में हमें एक तरह से एक 3 महीने या 6 महीने या उससे भी अगर शॉर्ट पीरियड हो सकता है, तो अगर इस तरह के सेशन होते रहे तो बड़ा यूजफुल रहेगा हमारी फोर्स के लिए। थाना अध्यक्ष लक्ष्मीनगर और शकरपुर ने भी पुलिस कर्मियों की अत्यंत व्यवस्था से होने वाली विपरीत प्रभाव को कैसे दूर करें जैसे सवाल किए और उनका समाधान पाया। संस्था अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि पुलिस कर्मी रात दिन कार्य में लगे रहते हैं, जिससे उनके दिनचर्या पर काफी असर पड़ता है और परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव और शरीर पर दुष्प्रभाव बढ़ता है। इसलिए हमने आज इस कार्यशाला का आयोजन किया और पुलिस कर्मी कैसे कम समय में अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं, इस पर चर्चा की। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष सुधीर शर्मा, रमेश कुमार, अतिरिक्त थाना अध्यक्ष प्रकाश रॉय, TYC के फाउंडर गीता सिंह आदि उपस्थित रहे। दिल्ली से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।